हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, जैसे कि हमने आपका सब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट किया है फार्माकोथेरापेटिक्स डी फार्मा सेकेंड ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो इसमें जो आपकी यूनिट फर्स्ट थी वो हमारी टोटली यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो उसकी सभी लेक्चर आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप चाहें तो इनको सभी को यहाँ से वॉच कर सकते हैं। एंड आप इन सभी लेक्चर को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, जहाँ पे आपको फार्माकोथेरापेटिक्स डी फार्मा सेकेंड ईयर मिल जाएगी प्लेलिस्ट। वहाँ से आप सभी लेक्चर्स को सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो आज हम आपके यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट सेकेंड, मीन्स कह सकते हैं, चलिए इसको चैप्टर टू भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो आपके जो यहाँ पे, जैसे कि आप अपना सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका पीसीआई का है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस डी फार्मा सेकंड ईयर का। इसमें जो आपकी यूनिट फर्स्ट थी ये तो बिल्कुल सही थी। देन आपकी जो यूनिट यहाँ पे सेकंड आई है, इसके अंदर क्या है, आपका पूरे ही यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मीन्स कह सकते हैं 2 ही यूनिट आपके सिलेबस में है, लेकिन आपकी जो यूनिट सेकेंड है वो एक तरह से हम कह सकते हैं आपके पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे आपका पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है। जैसे आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसीज पार्ट ए में आपका आ गया है। तो इसी तरह से सारे को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, यानी आपका जो यहाँ पे ये चलेगा सिलेबस, इसको हम इस तरह से करेंगे। जैसे आपकी यूनिट 2 यहाँ पर है, हमने यहाँ पे आपकी यूनिट 2 स्टार्ट की है। तो यूनिट 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ए हमारा पॉइंट है, तो इसका हम क्या करेंगे, जैसे हमारी हाइपरटेंशन है, तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि आपकी यूनिट 2 पार्ट ए और इसका लेक्चर 1, जैसे हमारे यहाँ पे हाइपरटेंशन आज रहने वाला है, इस तरह से क्या करेंगे, पूरे सिलेबस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये हमने आपको इसलिए बताया जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि कहाँ पे हमारा सिलेबस चल रहा है, यूनिट सेकेंड ही हमारी ख़त्म नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, अपने टेलीग्राम पे पीडीएफ भी डाल देंगे आपके न्यू सिलेबस का। तो देखिए, जब भी आप स्टडी करें तो अपने सिलेबस को अपने पास रखें, उसी के अकॉर्डिंग आप स्टडी करें। क्योंकि क्या होता है, बहुत सी चीज़ें बाजी टाइम सिलेबस में नहीं होती हैं, वो आप एक्स्ट्रा स्टडी कर लेते हैं या कुछ पार्ट आपके रह जाते हैं। लेकिन हम तो आपका जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए आज हम यहाँ पर स्टार्ट करें आपकी यूनिट सेकेंड। तो गाइस देखिए, जो आपकी यूनिट सेकेंड है, इससे आएगा जितना भी आपका सिलेबस है, टोटली आपके डिसीजेज हैं यानी बीमारियाँ। इसमें हम क्या करेंगे, सभी बीमारियों को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और देखिए क्या है कि ये टॉपिक आपके थोड़े लॉन्ग भी हो सकते हैं, क्योंकि क्या है, आपका थोड़ा मतलब लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में ही आपसे पूछा जाएगा मोस्टली जो आएगा। अगर आपसे शॉर्ट में पूछेगा तो यूनिट फर्स्ट से आपसे पूछेगा, देन अगर आपसे डिसीज के अंदर से पूछता है तो उसका कुछ पार्ट पूछेगा, अगर आपसे शॉर्ट में पूछ रहा है तो फुल डिसीज, या कोई डिसीज ऐसी जो बिल्कुल छोटी है उसको पूछ लेगा। ऐसा नहीं है कि आपसे शॉर्ट में पूरी डिसीज पूछेगा बीमारी, और लॉन्ग में भी पूरा ही टॉपिक आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे हम यूनिट सेकंड अपनी आज स्टार्ट करें चैप्टर 2, जो यहाँ पे रहेगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर। सीधा सीधा मतलब जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, तो उसके अंदर जितनी हमारी डिसीज आती हैं वो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम कह सकते हैं, जो हमारा हार्ट होता है उससे रिलेटेड जितनी बीमारियाँ होती हैं उनके बारे में। अब देखिए, हमारा सिलेबस है यहाँ पे जो हमारी यूनिट सेकंड का ए पार्ट है, जिसमें फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे हाइपरटेंशन, सेकंड हमारे यहाँ पर रहेगा एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, सेकंड में यानी थर्ड हमारा रहेगा हाइपरलिपिडेमिया, और फोर्थ यहाँ पे हम देखेंगे कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो आपका हाइपरटेंशन है वो फुल डिटेल में हम करेंगे। अब यहाँ पे जो टॉपिक है आपका हाइपरटेंशन, ये डिसीज आपकी थोड़ी सी लेंथ यहाँ पे रहेगी, जो इससे आगे की डिसीज आपकी रहेंगी वो थोड़ी, देखिए हम चाहते तो इसको आपको थोड़े से में भी ख़त्म कर सकते थे, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें आपका डीपली पूछा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, फर्स्ट इसकी डेफिनेशन पूछी है, यानी जितनी भी डिजीज हम स्टडी करेंगे उसकी फर्स्ट हमें डेफिनेशन देनी होगी, सेकेंड हमें उसकी यहाँ पर पैथोजेनेसिस हमें देनी होगी, क्लिनिकल यहाँ पर मैनुफैक्चरेशन हमें देनी होगी, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हमें उसकी बतानी होगी, किस चीज़ की, ऑफ द डिसीज़। यानी हर एक डिसीज़ के अंदर ये सारे ही पॉइंट हमें डिस्कस करने होंगे। अब कुछ डिसीज़ ऐसी होंगी जिसके सारे पॉइंट शॉर्ट में डिस्कस हो जाएंगे, कुछ ऐसी होंगी जो हमारी लेंथी भी यहाँ पे हो जाएंगी, क्योंकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में ही ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को हम कहते हैं उच्च रक्तचाप, सीधा सीधा जनरल भाषा में हम कहें ब्लड प्रेशर बढ़ना। आपने देखा ना, आजकल जो इस टाइम का मॉडर्न वर्ल्ड चल रहा है, तो इस टाइम कोई भी पेशेंट अगर डॉक्टर के पास जाता है, कोई भी बीमारी है, अब वो एज उसकी कम है या वैसे बिल्कुल सिम्टम्स अलग है तो बात दूसरी है, वरना उसका जो टेम्परेचर वगैरह होता है फीवर में वो नपता है, बाकी बीपी जो है वो तो वहाँ पे नपता ही नपता है, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड डिसीज मोस्टली आजकल हो रही हैं और बीपी जो है एक तरह से नॉर्मल आजकल हो गया है बढ़ना घटना। एंड क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक रहेगा, क्या है, एग्जाम में जहाँ तक मुझे पता है ये क्वेश्चंस आपका आएगा ही आएगा, तो इसको अच्छे से हम स्टडी करेंगे। अब देखिए, जितनी हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे, ज़रूरी नहीं आप एग्ज़ाम में उस, क्योंकि पूरा तो किसी को भी याद नहीं रहता है,
तो यहाँ पे आप बिना स्किप के पूरा वीडियो लेक्चर देखें, जिससे आपको इतना अच्छे से समझ आ जाए। बाय इस टाइम एग्ज़ाम में आपको नहीं आ रहा है याद, तो आप इसको बना के भी लिख दें। देन जितना हम आपको पढ़ाएंगे आप इसको पूरा लिखने की कोशिश करें। देन आपसे नहीं लिखा जाता है तो इसको आप हल्का शॉर्ट भी कर सकते हैं, वहाँ पर चल जाएगा। क्योंकि चलिए फर्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं हाइपर टेंशन, जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है, इसकी यहाँ पर डेफिनेशन। तो चलिए इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं, हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर, तो दोनों ही आप इसको कह सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको बीपी भी कह सकते हैं। इज ए कॉमन कंडीशन, एक कॉमन कंडीशन होती है इन विच जिसके अंदर द लॉन्ग टर्म फोर्स ऑफ ब्लड, लॉन्ग टर्म फोर्स यानी ज़्यादा टाइम तक ब्लड के थ्रू लगने वाला प्रेशर किस चीज़ के ऊपर, आर्टरी यानी अगेंस्ट आर्टरी, जिसको हिंदी में हम धमनियाँ भी कहते हैं। ये हमारी वो धमनियाँ वो आर्टरी होती है जिसके अंदर जो क्या है हमारा ब्लड का प्रवाह होता है यानी सर्कुलेशन होता है। वाल इज हाई इनफ दैट में इवेंटली कोज सेवर कॉम्प्लिकेशन, तो सीधा सीधा यहाँ पे चलिए एग्जाम्पल के बेस हम समझते हैं। यानी अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहें तो आप कैसे समझ सकते हैं, जो हाइपर टेंशन है यानी हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो हमारा ब्लड होता है वो धमनियों के अगेंस्ट एक तरह से फोर्स उसके ऊपर डालता है। तो धमनियों की जो हमारी क्या होती हैं आर्टरी होती हैं, उसकी वाल यानी उसकी दीवारों पर पड़ने वाले प्रेशर को ही हम यहाँ पे हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। समझे होंगे, अब हम समझते हैं इसको एग्जांपल के तौर पे। मान लीजिए ये क्या है आपकी आर्टरी है, अभी कौन सी हमारी आर्टरी है जिसके अंदर जो हमारा ब्लड है बॉडी के अंदर वो यहाँ पे प्रवाह हो रहा है यानी बह रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। अब एक तो नॉर्मल कंडीशन में हो रहा था इस तरह से, चलिए ठीक है हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर था, अब ये क्या क्या यहाँ पे ज़्यादा होने लगा, इस तरह से क्या है इसका ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो गया, इस रीज़न से ये ज़्यादा हुआ। ये आगे हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे, फिलहाल आप समझिए इस टाइम प्रेशर हमारा किस तरह से पड़ रहा है। तो ये हमारा ज़्यादा हो गया, अब जब इस तरह से ज़्यादा प्रेशर आएगा, भाई इतना ब्लड यहाँ पर आ रहा है, पहले स्लो आ रहा था तो नॉर्मल था, अब ज़्यादा उसके अंदर आ रहा है, क्वान्टिटी ज़्यादा हो गई, तो उसका जो प्रेशर यहाँ पड़ेगा वो इसकी वॉल पर पड़ेगा, यानी जो हमारी क्या है यहाँ पर आर्टरी है इसकी वॉल पे ये प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा एक तरह से इस तरह से मतलब फैलने लगेगी। अब जब ये इस तरह से फैलेगी बाहर को तो क्या हो रहा है, एक तो नॉर्मल थी दूसरे से प्रेशर पड़ा तो ये एक तरह से थोड़ी यहाँ पे ये फैली, मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारे ब्लड का प्रेशर है वो यहाँ पे आर्टरी की जो वॉल है इनके ऊपर पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है इसमें एक तरह से जो ब्लड का प्रभाव वो थोड़ा सा इंक्रीज यानी तेज़ हो जाएगा। तो सीधा सीधा यहाँ पे हम समझ गए जो हमारा ब्लड है उसके थ्रू पड़ने वाला आर्टरी की जो वॉल होती है दीवार उस पर प्रेशर, यही हमारा क्या होता है यहाँ पे ब्लड प्रेशर होता है, जिसको मतलब हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन बीपी के नाम से हम जनरली जानते हैं। तो आपको डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ आई होगी, मेनली रिलेटेड टू हार्ट डिसीज। अभी हमारे जो हाइपरटेंशन इंक्रीज होता है इसका एक ही वजह मोस्टली देखने को मिलती है, रिलेटेड टू हार्ट डिसीज़, यानी दिल जो हमारा होता है हार्ट उससे रिलेटेड जो डिसीज़ होती है उसमें ये कॉमनली देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बीपी फॉर एडल्ट, मीन्स यहाँ पे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बीपी यानी ब्लड प्रेशर का फॉर एडल्ट, जो हमारे 30 प्लस होते हैं उन्हीं में ये हम देखेंगे, क्योंकि 30 साल की उम्र से ऊपर कोई जो ब्लड प्रेशर की यहाँ पे दिक्कत होती है वो नॉर्मली देखने को मिलती है, तो उससे कम एज वाले में भी देखने को मिल सकती है, लेकिन जो मैक्सिमम मिलती है वो 30 प्लस वालों में ही मिलती है, तो उसी के बेस पर यहाँ पे हम इसको देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक चार्ट के यानी फ्लो चार्ट के थ्रू हम देखेंगे हमारा ब्लड प्रेशर कौन कौन सी रेंज होती है, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, हाई क्या रहेगा, सेकंड यहाँ पर रहेगा हमारा सिस्टोलिक, थर्ड यहाँ पर रहेगा डायस्टोलिक। तो देखिए ये क्या होते हैं एक तरह से सिस्टोलिक और डिस्टोलिक, यही टू टाइप के ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, यानी ब्लड का प्रेशर जो हो ब्लड तो हमारा एक ही है लेकिन वो टू टाइप से अपना प्रेशर डालता है, एक सिस्टोलिक सेकेंड डिस्टोलिक, सिस्टोलिक जो है हमारा ज़्यादा होता है, डिस्टोलिक जो है हमारा यहाँ पे कम होता है, तो इसी को यहाँ पे हम देखेंगे। अब देखिए इसको समझने से पहले हम एक पॉइंट आपको समझा देते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर एक तरह से होता है वो नॉर्मली जो एक तरह से हम कह सकते हैं 120 से 60 या 80 ये यहाँ पे होता है, तो इसको हम कह सकते हैं हमारा ये नॉर्मल है, यानी नॉर्मल मैन जो होता है वो 120 पर 60 होता है, यानी सिस्टोलिक हमारा रहेगा यहाँ पे 120, वो साथ ही में हमारे जो डिस्टोलिक रहे ये क्या है एक तरह से नॉर्मल हम कह सकते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे नॉर्मल, जो हमारी बॉडी में नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो लेस देन कम से कम जो हमारा सिस्टोलिक होता है 120 120 रहेगा, लेस देन जो हमारा डिस्टोलिक बीपी रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 80, इतना अगर है कोई आपकी नॉर्मल स्टेज है इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, और देखिए इतना आपकी बॉडी के अंदर रहना भी चाहिए, अगर इससे कम रेंज में आ रहा है तो ये ब्लड प्रेशर आपकी बॉडी में कम हो रहा है जिससे आपको दिक्कत हो सकती है, सीधा सीधा अगर हाई हो रहा है तो भी आपको दिक्कत होंगी, कम हो रहा है तो भी आपको दिक्कत होंगी, सिम्टम्स दोनों का जो ब्लड प्रेशर यहाँ पे होता है एक तरह से इसको हम यहाँ पे मेज़र करते हैं MMHG,
तो जो हमारा MMHG यहाँ पे रहता है उसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो मिलीमीटर मरकरी। तो ये क्या फॉर्म होती है जिससे एक तरह से हम इसको शो करते हैं। तो हमने यहाँ पे MMHG नहीं लगाया हुआ है, आप चाहें तो इसके आगे लिख सकते हैं। सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे प्री हाइपर टेंशन। प्री हाइपर टेंशन ये एक तरह से हम कह सकते हैं जो हाइपर टेंशन हमारी वो स्टार्ट यहाँ पे हुई है, यानी बढ़ना वो स्टार्ट यहाँ पे हो गया है। मान लीजिए आपका जो सिस्टोलिक है वो यहाँ पे 120 से 129 यानी 120 से 129 आ रहा है, और हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे 80 आ रहा है, जो हमारा क्या है यहाँ पे डिस्टोलिक है। तो हमारा प्री हाइपर टेंशन है, मीन्स कह सकते हैं आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज है। तो ये एक तरह से चलिए ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन ये भी नहीं होती है हमारी। सेकंड हम यानी थर्ड हम देखेंगे स्टेज फर्स्ट। तो स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, बीपी 130 से 139 चला जाता है और हमारा डिस्टोलिक का 80 से 89 यहाँ पे चला जाता है। तो यहाँ पे हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगा है, तो अब दिक्कत कुछ हमें देखने को मिलती है। जैसे कि जो हमारी स्टेज होती है इसमें 140 हो सकता है और इससे हायर भी हमारा सिस्टोलिक जा सकता है, डिस्टोलिक जो यहाँ पे 90 और उससे ज़्यादा भी यहाँ पे जा सकता है स्टेज सेकंड में। और हमारी जो लास्ट यहाँ पे आती है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो देखिए ये जो हमारी स्टेज होती है सबसे ज़्यादा डेंजर होती है, इसमें क्या होता है जो हमारा हार्ट होता है उसके फेल होने के चांसेस रहते हैं, हार्ट स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं, जिन्स कह सकते हैं हमारे जो हार्ट के एक तरह से हमारी आर्टरी होती है वो भी वहाँ पे डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। यानी अगर ये कंडीशन है तो इसमें काफ़ी लोगों की डेथ भी देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है हमारे जो हायर देन यहाँ पे सिस्टोलिक रहेगा वो 180 तक यहाँ पे चला जाता है, और यहाँ पे हायर देन हमारा डिस्टोलिक होता है 120 तक चला जाता है या इससे ऊपर जा रहा है। तो एक तरह से डेंजर जोन में वहाँ पे जा चुका है। ज़रूर नहीं देखिए सबकी डेथ हो जाती है, नॉर्मल कंडीशन आ जाती है। कुछ लोगों की बॉडी ऐसी होती है जो ज़्यादा ब्लड प्रेशर पर ही उसको बॉडी को कंट्रोल कर लेती है उनका हार्ट, कुछ लोगों की हल्का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने पर भी हालत ख़राब हो जाती है। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइपर टेंशन। तो यहाँ पर बाई मिस्टेक आर हो गया, आप इसको एस कर लें। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से हमारे टाइप्स होते हैं हाइपर टेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के। तो गाइस आपका जो लेक्चर है थोड़ा यहाँ पर लॉन्ग जा सकता है क्योंकि फुल डिटेल में हम आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से समझें जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ पर मिल सके। हमारा होता है यहाँ पर प्राइमरी हाइपर टेंशन, जिसमें हमारी जो कंडीशन होती है 120 से 129 तक जाती है, यानी हमारे जो सिस्टोलिक रहेगा 120 रहेगा और डिस्टोलिक यहाँ पे 129, एक तरह से दोनों ही हमारे सिस्टोलिक इसमें हमारा 80 तक जा सकता है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन, ये हमारा मोस्ट कॉमन टाइप होता है हाइपरटेंशन का। ये कोई हमारी मतलब ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन, अबाउट 90 to 95 केसेज ऑफ हाइपरटेंशन आर रिकॉग्नाइज्ड एज द केसेज ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन। तो एक तरह से 90 से 95% जो केसेस देखे जाते हैं वो इसी मतलब एक तरह से उनको समझा जाता है इसी हाइपरटेंशन में यानी एसेंशियल हाइपरटेंशन में, यानी मोस्टली लोगों के अंदर ये इतना देखने को मिलता ही है। साथ ही में इट इज़ नो एग्जैक्ट मेडिकल कंडीशन, और इस कंडीशन में ज़रूर नहीं आप ट्रीटमेंट लें, ये इतना तो नॉर्मल होता है। क्या होता है आपके चलने से आपने थोड़ी रेस लगा ली, आप थोड़ा सा भाग के आए, आप थोड़ा चल के आए हैं, आपने थोड़ा वर्क कर लिया, तो उस कंडीशन में इतना आपका पहुंच जाता है। तो इसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत आपको नहीं होती है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर, हम कह सकते हैं हमारा ये मतलब डेंजर नहीं होता है, लेकिन क्या है डेंजर जोन यहाँ से आगे को यहाँ पे स्टार्ट आपका हो जाता है। सेकंड हमारे यहाँ पर आता है सेकेंडरी हाइपर टेंशन, इसमें जो आपका सिस्टोलिक होता है 140 तक पहुँच जाता है। एंड बुक में पढ़ेंगे तो आपको जो यहाँ पे रेंज है थोड़ी डिफरेंट भी देखने को मिल सकती है। मान लीजिए यहाँ पे हमने 140 कर रखा है, 139 मिल जाए, 139 मिल जाए 140 से, यहाँ पे हमने 90 कर रहा है 89 आपको मिल जाए। इस तरह से चेंजेस भी आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा हुआ है सिस्टोलिक आपका 140 तक जा सकता है, डिस्टोलिक आपका 90 और उससे हायर भी दोनों यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये हमारी सेकेंडरी कंडीशन यानी थोड़ी सी डिफिकल्ट कंडीशन हमारी हाई ब्लड प्रेशर रिजल्ट ड्यू टू अदर डिसीजेज। तो ये जो हमारा सेकेंडरी ब्लड प्रेशर होता है ये कुछ हमारी क्या होती है डिसीज़ होती है जिनके थ्रू ये हमारा बढ़ता है यहाँ पे इंक्रीज होता है, जिसे ट्यूमर्स कैंसर वगैरह हो जाता है, रीनल जो क्या होते हैं रीनल किडनी से रिलेटेड डिसीज़ होती हैं, इंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड डिसीज़ होती हैं, कार्डियक डिसऑर्डर जो हमारे हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ होती हैं, कुछ हमारे दिल की डिसीज़ होती हैं, कुछ हमारी किडनी की डिसीज़ होती हैं, कैंसर वगैरह। तो इन कंडीशन में जो सेकेंड स्टेज है ये आपकी यहाँ पर आ सकती है, आपका बीपी 140 से 90 तक यहाँ पर पहुँच सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे थर्ड हाइपरटेंशन यानी क्राइसिस। तो देखिए ये सबसे ज़्यादा डेंजर कंडीशन होती है और मोस्टली जो डेथ लोगों की देखने को मिलती है, जैसे कहते हैं ना भाई उसका हार्ट फेल हो गया, उसकी जो एक तरह से आर्टरी थी वो डैमेज हो गई फट गई, जिससे ब्लड का पूरी क्या होते हैं मतलब इस टाइप की जो कंडीशंस देखने को मिलती हैं हार्ट फेल वगैरह वो इसी कंडीशन में देखने को मिलती हैं जो हमारी थर्ड यहाँ पे होता है हाइपरटेंशन क्राइसिस। तो इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो हायर देन 180 से 120 तक हमारा जा सकता है, तो और इससे हायर भी देखिए देखने को यहाँ पे मिलता है। अब देख लेते हैं
इट इज़ ए सेवर कंडीशन, यानी क्या होती है, गंभीर कंडीशन यहाँ पे होती है, इन विच जिसके अंदर इंक्रीज ब्लड प्रेशर यानी बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर मे लीड टू हार्ट स्ट्रोक। यानी ये हमारी क्या होती है, गंभीर कंडीशन होती है जिसके अंदर जो ब्लड का प्रेशर है, दिल का दौरा भी हमें यहाँ पे पड़ सकता है इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर ब्लड विसल्स, जो हमारी ब्लड विसल्स होती हैं, गेट डैमेज, क्या हो सकती है यहाँ पे, डैमेज यानी फट सकती हैं, वो ख़राब हो सकती हैं ड्यू टू इंक्रीज, किसकी वजह से, ड्यू टू इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसकी वजह से, जो हमारा 180 mmHg और उससे ज़्यादा भी यहाँ पे जा सकता है। तो ये हमारा सिस्टोलिक हो गया, जिसकी वजह से कंडीशन हमारी आ सकती है। नेक्स्ट हमारे क्या होता है यहाँ पे, डिस्टोलिक, यानी हमारे डिस्टोलिक जो हमारा होता है, ये हमारा 120 mmHg और उससे ज़्यादा भी यहाँ पे जा सकता है, तो इसकी वजह से भी कॉज ये यहाँ पे हो सकता है। तो ये हमारा हो गया। चलिए इसमें एक पॉइंट हम और देखेंगे, दस द हार्ट फेल टू पम्प ब्लड इफेक्टिवली टू द बॉडी। तो ये कंडीशन अगर आती है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारा हाइपर टेंशन क्राइसिस है, मीन्स हमारे जो ब्लड का प्रेशर है वो 180 से या 120 से भी ऊपर जा रहा है, यानी जो हमारा सिस्टोलिक होता है वो 180 और डिस्टोलिक 120 इतना है या उससे ऊपर जा रहा है, तो इस कंडीशन में देखिए हमारा जो हार्ट है उसकी भी अपनी एक रेंज है, यानी कहाँ तक वो ब्लड को एक तरह से पंप कर सकता है वहाँ तक वो करेगा, जहाँ उसकी रेंज ख़त्म हो जाएगी वहाँ पर वो अनेबल एक तरह से उसको पंप वहाँ पर नहीं कर पाएगा, यानी फेल यहाँ पर हो जाएगा। तो हार्ट के थ्रू ब्लड को पंप करने में फेल होना सीधा सीधा क्या होता है, हार्ट फेल होना, कहते हैं ना भाई उसका हार्ट फेल हो गया, यानी उसका बीपी इतना बढ़ गया था जिसकी वजह से जो उसका हार्ट है वो ब्लड को पंप नहीं कर पाया पूरा, जिसकी वजह से क्या इफेक्टिवली वो पंप नहीं हुआ बॉडी के अंदर, उसका हार्ट फेल हो गया। गाइस काफ़ी सारी नॉलेज आपको इस डिसीज़ के अंदर मिलेगी, यानी आपको जो कॉमनली सोसाइटी में डिसीज़ वगैरह होती हैं उनके आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, इथियोलॉजी। तो इथियोलॉजी का हिंदी मीन्स होता है कारण, यानी ऐसा क्या कारण है, क्या इथियोलॉजी है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ यहाँ पर हो रहा है। तो इसको यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे हमने टाइप देखे हैं उसी को हम देखेंगे, प्राइमरी हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है, सेकेंडरी क्यों हो रहा है, और थर्ड हमारा वाला ये हो क्यों रहा है, जैसे प्राइमरी हाइपरटेंशन हमारा क्यों हो रहा है। द एक्चुअल कॉज ऑफ दिस टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन इज नॉट नोन। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट वाला है प्राइमरी, तो इसका एक्चुअली देखा जाए तो आज तक पता नहीं लगाया जा सका ये हमारा क्यों होता है। तो हमारी जो नॉर्मल कंडीशन होती है सारी उसी में देखने को मिलता है, मतलब एक्चुअल इसका पता अभी तक नहीं चला है। द फॉलोइंग फैक्टर्स मे बी कंसिडर एज द कॉज ऑफ प्राइमरी हाइपरटेंशन। फिर भी हमारे कुछ फॉलोइंग ऐसे फैक्टर्स हैं जिसे कंसिडर हम पता लगाते हैं हमारा प्राइमरी हाइपरटेंशन किस तरह से ये कॉज यहाँ पे हुआ है। जैसे कि इसमें फर्स्ट हम देख लेते हैं, इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट एंड आर्टेरियल कॉन्स्ट्रिक्शन। तो क्या होता है, मान लीजिए जो हमारी आर्टरी होती है जो एक तरह से ब्लड किसको दे रही है, हार्ट को पंप करने के लिए, यानी सीधा सीधा जो अगर वो हार्ट को दे रही है तो क्या है, वो इनपुट है, यानी हार्ट उन जो आर्टरी है उनसे धमनियों से ब्लड को अपने अंदर ले रहा है, तो वो क्या हुआ, इनपुट हुआ, यानी उसके अंदर जा रहा है। वो जहाँ से जो हार्ट एक तरह से पंप कर रहा है यानी आर्टरी के धमनियों के थ्रू उसको ब्लड को बाहर पूरी बॉडी को, वो क्या है, एक तरह से उसका आउटपुट है। तो अगर आउटपुट वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाए तो क्या है भी, वहाँ पे ब्लड का प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी आउटपुट अगर इंक्रीज़ हो रहा है, नॉर्मल है तो सही है, अगर वो इंक्रीज़ जो हार्ट है ज़्यादा ब्लड को पंप कर रहा है तो ब्लड प्रेशर एक तरह से इंक्रीज़ वहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन है। सेकंड, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जन्म से ही क्या होता है भाई, मतलब फैमिली में उनके बाप दादा पहले से चले आ रहे हैं कि उनको ब्लड प्रेशर हाई रहता था, इसकी वजह से लक्षण उनके बच्चों में भी देखने को मिले, यानी कह सकते हैं जेनेटिकली फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी क्या होता है कुछ लोगों में ऑटोमेटिकली होता है। सेकंड हम देख लेते हैं यहाँ पे, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, इसको देख लेते हैं। दिस टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन अकर्स, यानी जो हमारा हाइपरटेंशन होता है अकर्स ही हमारे एक तरह से पाया जाता है ड्यू टू अदर डिसीजेज। तो सेकेंडरी जो हमारा हाइपरटेंशन होता है ये कुछ हमारी ऐसी डिसीज़ होती है जिनके थ्रू एक तरह से कॉज होता है। जैसे कि फर्स्ट हम देख लेते हैं, कॉन्जेंशनल एबनॉर्मेलिटीज़। कुछ क्या होता है, कुछ लोगों में जन्मजात से मतलब उनके बचपन से ही जन्म से एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से ये हो जाता है। और यहाँ पे पॉलीनेफ्रेटिक्स क्या होता है, गुर्दे यानी किडनी की बीमारियाँ होती है ये, तो इसकी वजह से भी हो जाता है। कुछ में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन इन रीनल आर्टरी, जो रीनल आर्टरी यानी जो हमारी क्या होती है किडनी की आर्टरीज वगैरह होती है उनमें ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट होने से ब्लड की उसमें ही यहाँ पे हो जाता है। साथ ही में यहाँ पे कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है और स्लीप ओपिनिया, कह सकते हैं निंद्रा आश्वासन इसको हिंदी में हम कहते हैं। ये कुछ हमारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनकी वजह से क्या है यहाँ पे ये डिसीज़ कॉज हो सकती है। गाइस अगर इन सारी बीमारियों को हम आपको डिटेल में बताने लगे तो टॉपिक आपका इतना लॉन्ग हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा, इसलिए हम इनको आगे डिस्कस कर लेंगे, इन सभी पे पॉइंट हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं पैथोजेनेसिस।
इसका सीधा सीधा मतलब यहाँ पे होता है रोग जनन, यानी जो हमारा रोग है, हमारा हाइपरटेंशन है, ये जनन कैसे जनना हमारी बॉडी के अंदर एक तरह से पैदा हुआ, यही इसके अंदर यहाँ पे हम देखेंगे। सीधा सीधा जैसे हमारे कारण हो गए या हमारे रोग जनन हो गए, तो इनमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, एक तरह से कॉज ही हमारे हो रहे हैं। इसके अंदर हम देख लेते हैं, पैथोजिनेसिस ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन इज मल्टीफैक्टोरियल एंड वेरी कॉम्प्लेक्स। तो क्या होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन को हमारे एक तरह से पैथोजिनेसिस होता है, ये मल्टीफैक्टोरियल और देखिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये हमारा होता है। और सीधा सीधा हम कह सकते हैं हमारा जो हाइपरटेंशन होता है ये किडनी एक तरह से इसके अंदर इन्वॉल्व करती है, और जो टारगेट एक तरह से ऑर्गन होता है हमारी बॉडी के अंदर हाई ब्लड प्रेशर का, वो हमारा किडनी यहाँ पे हो सकता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर की प्रोसेस में। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे अब थोड़े से किस तरह से हो रहा है, जिससे हाइपरटेंशन कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग थ्योरीज। कुछ हमारी ऐसी थ्योरीज है जिनके थ्रू हम देखेंगे कैसे मतलब जो हाइपरटेंशन है उसको एक्सप्लेन एक तरह से हम कर सकते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं नेट्रियूरेटिक फैक्टर्स, एग्जांपल जैसे एट्रियल न्यूट्रिएटिक फैक्टर्स आर सिक्रेटेड टू प्रमोट। तो क्या करते हैं एक तरह से सिक्रेट होते हैं और ये क्या करते हैं यहाँ पे प्रमोट कर देते हैं। प्रमोट क्या करते हैं साल्ट का एक्सक्रीशन, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो साल्ट एक तरह से नमक होता है उसके एक्सक्रीशन को यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, प्रमोट करेंगे। व्हेन द किडनीज आर अनेबल टू एक्सक्रीट सोडियम, जब हमारी जो किडनी होती है जो हमारी बॉडी के अंदर सोडियम होता है उसको जो यूरिनेशन यानी पेशाब होता है उसके थ्रू एक्सक्रीट आउट करने में उसको अनेबल हो जाती है, जब जिससे जो ब्लड प्रेशर है वो यहाँ पे इंक्रीज होता है। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, दी टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस इज इंक्रीज्ड एज द साइड इफेक्ट इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ एट्रियल न्यूट्रिएटिव फैक्टर्स। सीधा सीधा है यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है हमारा न्यूट्रिएटिव फैक्टर्स की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है उसके प्रमोट होने की वजह से। इसके अंदर हम सेकंड थ्योरी देखेंगे, इंक्रीज ब्लड प्रेशर एज वेल एज वेसल कंस्ट्रक्शन रिजल्ट इन हाइपरटेंशन। बॉडी के अंदर जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उसमें अगर ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या है वेसल कंस्ट्रक्शन की हमारी प्रोसेस हो जाती है, जिसको हम आगे डिटेल में देखेंगे, रिजल्ट इन हाइपरटेंशन। और इसका वेसल कंस्ट्रक्शन होने से जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है वो निकल के आता है हाइपरटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर वहाँ पे बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम थर्ड यहाँ पे देख लेते हैं, स्ट्रेस रेस्पॉन्स इंक्रीज ड्यू टू हाइपर एक्टिव सिंथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमारी बॉडी में जो यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारा एक पूरा ही एक तरह से लेक्चर है जो इसको हम देखेंगे, ये मतलब एक तरह से ऐसा सिस्टम होता है जिसकी वजह से क्या होता है हमारा हम दिमाग से मतलब एक तरह से सोच तो रहे हैं लेकिन स्ट्रेस रेस्पॉन्स जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जनरल लाइफ में हमारी बहुत ही टाइप की ऐसी प्रॉब्लम आजकल चल रही है जिसकी वजह से हम ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, तो ये स्ट्रेस करता क्या है हमारे दिल की धड़कन को तेज़ करता है, एक तरह से जो हमारे ब्लड का प्रेशर है वो वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमारी कुछ ऐसी थ्योरीज है नॉर्मल थ्योरीज जो जनरल लाइफ में जिसकी वजह से हमें ये कॉज हो सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, द पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द जीनेसिस ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन आर। तो यानी यहाँ पे हम देखेंगे हमारे जो कुछ पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो एक तरह से अफेक्टिंग करते हैं यानी इंक्रीज करते हैं यहाँ पे एसेंशियल हाइपरटेंशन यानी ब्लड के प्रेशर्स को। जैसे कि फर्स्ट हम देख लेते हैं, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि पीछे हमने आपको बताया था स्ट्रेस वगैरह हमारा इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हमारा इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लॉन्ग टर्म इनटेक ऑफ सोडियम, ज़्यादा टाइम तक जो हमारा सोडियम होता है यानी उसका सेवन आप उसको ज़्यादा बॉडी में ले रहे हैं जिसकी वजह से क्वांटिटी सोडियम की आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है जिससे आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। सफिशिएंट इनटेक ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम डाइट, अगर आप इनसफिशिएंट एक तरह से जो आपका सफिशिएंट यानी नॉर्मल था वो आप डाइट में नहीं ले रहे हैं यहाँ पे पोटेशियम को और कैल्शियम डाइट, यानी कैल्शियम और पोटेशियम आप सफिशिएंट डाइट में नहीं ले रहे हैं इनसफिशिएंट डाइट में ले रहे हैं तो यहाँ पे एक कॉज हो सकता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध होने से भी क्या हो सकता है यहाँ पे एक कॉज हो सकता है। नेक्स्ट मोटापे की वजह से वो जो इंक्रीज हो सकता है ब्लड प्रेशर, साथ में डायबिटीज मिलाइटस यानी सीधा सीधा अगर हम कहें जो शुगर की बीमारी हो जाती है डायबिटीज हो जाती है उसमें भी क्या होता है जो ब्लड का प्रेशर है वो भी इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसको हिंदी में हम यहाँ पे नैदानिक अभिव्यक्तिता कहते हैं, यानी जो यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन डिसीज हो रही है उसके क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे सेवर हेडेक, क्या होता है बहुत तेज सर दर्द होता है, साथ ही में चेस्ट में सीने में दर्द होना, ब्लड विजन क्या है कभी कभी जो दृष्टि हो यहाँ पर धुंधली हो जाती है यानी आंखों से देखना थोड़ा सा कभी कभी धुंधला हो जाता है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज यानी नाक से खून आने लगता है, थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, डिजनेस यानी चक्कर आना, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग यानी सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होना,
इरेगुलर हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन जो है इरेगुलर, दिल की धड़कन एक तरह से नॉर्मल ना होना, क्योंकि आपको जो ब्लड का प्रेशर है वो एक तरह से हार्ट पे ही पड़ता है बजा के सारा। तो क्या हो रहा है, जो रेगुलर एक तरह से रिदम होती है 72 नॉर्मल होती है, लेकिन क्या होता है वो उससे इरेगुलर यानी ज़्यादा वहाँ पर हो जाती है। तो ये क्या थे कुछ सिम्टम्स थे जो हाइपरटेंशन डिसीज में हो जाते हैं। ये नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, देखिए एक तो होती है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो आगे हम देखेंगे, एक होती है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जिसको हिंदी में कहते हैं गैर औषधीय प्रबंधन यानी ट्रीटमेंट एक तरह से। अब मान लीजिए हाइपरटेंशन किसी बंदे को है और हम उसे ट्रीट करना है, एक तो हम दवाइयों के थ्रू कर सकते हैं, एक हम बिना दवाइयों कर सकते हैं। बिना दवाइयों के हम अपने क्या कर सकते हैं, जनरल जो लाइफ में हम लाइफ जी रहे हैं इसको थोड़ा सा हम चेंज करके यहाँ पे कर सकते हैं। किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। डाइटरी चेंजेस, एक तरह से जो हमारी डाइट है हमारा खाना है उसको चेंज करके जैसे कि देख लेते हैं। एन एवोलेटेड बीपी कैन इफेक्टिवली लोवर्ड, एक तरह से क्या है जो लोवर्ड है बीपी उसको हम मतलब बीपी हाई को लो कर सकते हैं हम किस तरह से, हेल्दी डाइट लेके। हेल्दी डाइट अगर हम ले रहे हैं जिसमें क्वांटिटी प्रॉपर है जितनी हमारी बॉडी को चाहिए, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे मतलब वो वहाँ पे कम होने के चांसेस उसके रहेंगे, ज़्यादा होने के नहीं रहेंगे। देयरफॉर इसलिए डाइट लो इन सोडियम साल्ट एंड हाई इन पोटेशियम एंड रिकमेंडेड। तो क्या होता है, जो आपकी डाइट है आपका खाना है उसमें आप लो क्वांटिटी में ले सोडियम, क्योंकि आपकी बॉडी से वो एक्सक्रीट पूरा नहीं हो पाता है। हाई क्वांटिटी में ले आप पोटेशियम, यानी पोटेशियम की क्वांटिटी आप ज़्यादा ले अपनी डाइट में, और साथ ही में साल्ट और सोडियम जो है इनकी थोड़ी सी कम लें, ये रिकमेंडेड यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सरसाइज। देखिए कुछ लोगों का जो एक तरह से बीपी हाई हो जाता है, यानी एक तरह से कह सकते हैं स्टेमिना वगैरह भी उनका कमज़ोर हो जाता है, तो इस तरह के बंदों को क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज से आपका जो सांस है वो बना रहता है, एक तरह से स्टेमिना आपका इंक्रीज़ होता रहता है, जिससे जो ब्लड का प्रेशर है नॉर्मली वर्क वगैरह में वो इंक्रीज़ नहीं होता। जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटी लाइक जैसे हमारे एरोबिक्स होती है उसमें कार्डियो, ये कुछ हमारी एक्सरसाइज हैं। एंड अनदर इम्पोर्टेंट लाइफ स्टाइल चेंजेस फॉर मैनेजिंग हाई बीपी, और हमारी लाइफ स्टाइल बहुत ही तरह के हैं जिनसे मतलब भाई अपने लाइफ स्टाइल को हम चेंजेस करके जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल यहाँ पे कर सकते हैं। थर्ड देख लेते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी क्या है किसी किसी बात पे मतलब छोटी मोटी बात पे स्ट्रेस ले लेना, ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाना, तो इस चीज़ को हम चेंज करके क्या कर सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस हम ना लें, नॉर्मल लाइफ जिए, इससे भी इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। जैसे अवॉइडिंग एंड एलिमिनेटिंग स्ट्रेस आल्सो इम्पोर्टेंट वे ऑफ ट्रीटिंग हाई बीपी, स्ट्रेस को हम नॉर्मली लेना कम कर देंगे जो बीपी है वो भी हमारा एक तरह से नॉर्मल रहने लगेगा। स्मोकिंग क्वेश्चन, एक तरह से क्या होता है जनरल आजकल की लाइफ में देखने को मिल रहा है जो स्मोकिंग यानी क्या होता है बीड़ी सिगरेट वगैरह जो भी ये होते हैं धूम्रपान वगैरह इनको बंदे बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है मतलब एक तरह से बिल्कुल इनडायरेक्टली मतलब एबनॉर्मल इफेक्ट डालता है हार्ट वगैरह के ऊपर, जिससे क्या होता है मतलब इंक्रीज़ हो जाता है हमारा बीपी। तो स्मोकिंग को अवॉइड करके बिल्कुल ख़त्म करके या इसको कम करके एक तरह से अपने बीपी को यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है जब हम स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो हमारे हार्ट को हाई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जो हार्ट अगर उसको देता है तो उसका जो वहाँ पे एक तरह से बीपी है वो इंक्रीज़ वहाँ पे हो जाता है। लास्ट हम देखेंगे एल्कोहल कंजम्पशन, एक तरह से शराब का सेवन हिंदी में हम इसको कहते हैं। शराब क्या होता है कुछ लोग मतलब थोड़ी वगैरह पीते तो उनको इतना नहीं होता है, जो ज़्यादा पीते हैं उनको ये चीज़ देखने को मिलती है। सच अगर आप पूछें जो शराब एक तरह से क्या होती है, ड्रिंकिंग होती है, ये हमारी लाइफ में कोई बेनिफिट तो हमें देती नहीं है, साथ ही में क्या होता है बहुत ही सारे नुकसान हमारी बेसिक जो हमारी पर्सनल लाइफ है और जो हमारी हेल्थ है दोनों के यहाँ पे पहुँचते हैं। तो इस चीज़ को हम बहुत ही ज़्यादा कम करके या कहीं तो बिल्कुल अवॉइड ख़त्म करके अपने बीपी को मेंटेन यहाँ पे रख सकते हैं। देन चलिए लास्ट में यहाँ पे हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसको हम जनरल भाषा में कहते हैं ट्रीटमेंट। मान लीजिए हाइपरटेंशन, किसी का ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई है लेकिन रहता है, उसने लाइफ स्टाइल में नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी ट्राई की, सब कुछ उसने ट्राई किया लेकिन उसका जो बीपी वो मेंटेन यहाँ पे नहीं रह रहा है, वो यहाँ पे इंक्रीज़ है। तो अब इसको ट्रीटमेंट करने के लिए क्या होता है, कौन कौन सी थेरेपी एक तरह से मेडिकेशंस का हम यूज़ करते हैं इसको कम करने के लिए, ये यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। व्हेन चेंजेस इन डाइट, जब हमने चेंज किया डाइट में एंड लाइफस्टाइल में, आर नॉट इनफ, वो एक तरह से काफ़ी नहीं था मैनेज करने के लिए एवोलेटेड बीपी यानी बढ़ते हुए बीपी को, उसके बाद क्या करते हैं वेरियस अवेलेबल मेडिकेशंस आर यूज्ड, फिर हमारे जो वेरियस मेडिकेशंस अवेलेबल है हम उनका यूज़ यहाँ पे करते हैं। जैसे कौन कौन सी कैटेगरी की हमारे यहाँ पे आएंगी, फर्स्ट आते हैं हमारे डायोलिटिक्स। तो डायोलिटिक्स फार्माकोलॉजी में पूरा ही टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे। डायोलिटिक हमारे ऐसे सब्सटेंस, ऐसी ड्रग, ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो हमारी बॉडी में यूरिन का आउटपुट है यानी एक तरह से हमारे जो पेशाब होता है उसकी जो दर होती है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। तो जितना वो हमारी बॉडी से बाहर जाएगा सोडियम साल्ट वगैरह उसके साथ में बाहर जाएंगे, जिससे जो हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर है वो यहाँ पे नॉर्मल हो जाता है। जैसे कि कह सकते हैं दीज आर आल्सो नोन एज वाटर एंड फ्लूइड पिल्स,
जिसको यहाँ पे हम वाटर और फ्लूड पिल्स यानी टैबलेट्स भी यहाँ पे कहते हैं, क्योंकि वाटर को इंक्रीज कर रही हैं। यूज्ड इन कॉम्बिनेशंस विद अदर मेडिकेशंस फॉर एलिमिनेटिंग एक्सेसिव सोडियम फ्रॉम द बॉडी। तो इनको जब हम यूज़ करते हैं तो कॉम्बिनेशन में करते हैं, डायरेक्टली हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। जब हम कोई भी ड्रग खाते हैं उसके साथ में अदर ड्रग के साथ में कॉम्बिनेशन करके हम इसका यूज़ कर लेते हैं, और जो क्या करती है एलिमिनेटिंग करती है एक्सेसिव, यानी हमारी बॉडी से एलिमिनेट करती है, रिमूव करती है एक्सेसिव ज़्यादा क्या चीज़ सोडियम के अमाउंट को फ्रॉम कहाँ से बॉडी से, हमारी बॉडी से। यूरिन का आउटपुट को बढ़ाती है जिससे सोडियम उसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो एक्सेसिव होता है, इंक्रीज हो जाता है यानी एक्सक्रीट होना, और हमारा बीपी यहाँ पे नॉर्मल हो जाता है। जैसे इसके अंदर कुछ साल्ट हम देखेंगे, जनरली सबसे ज़्यादा चलने वाला साल्ट हमारा फ्रोसीमाइड होता है, जो एक तरह से लासिक्स के नाम से भी आता है मार्केट में, साथ में इंडेपेमाइड होता है, क्लोरोथायजाइड होता है। अब देखिए हम आपको ये बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है आप इनका जनरल खुद से यूज़ कर लेंगे, आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ ही इनका यूज़ करें, हम आपको सिर्फ पढ़ा रहे हैं तो उसी के बेस से आप इसको। इसमें हम देख लेते हैं अल्फा ब्लॉकर्स, तो ये हमारे कुछ ऐसे ब्लॉकर्स होते हैं जो एक तरह से क्या करते हैं ब्लॉक कर देते हैं, यानी कह सकते हैं हम डिक्रीज करते हैं ब्लड के प्रेशर को, नॉर्मल करते हैं। जैसे कि इसके अंदर हम देख लेते हैं, दिस कॉज फ्री ब्लड फ्लो बाई कीपिंग नर्वस फ्रॉम दी टाइटिंग कसना एक तरह से द ब्लड वेसल्स। तो हमारी जो क्या करती है ब्लड वेसल जो एक तरह से कसती हैं उसको कसने से रोकते हैं, एक तरह से उसको फ्री करने का वर्क करते हैं, जिससे जो ब्लड का प्रेशर है वो इजीली यहाँ पे फ्रीली क्या होता है यहाँ पे सर्कुलेशन हो जाता है, जिससे जो वी हमारी क्या होती है आर्टरी होती है उनकी वॉल पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। जैसे इसके एग्जाम्पल हम यहाँ पर आगे देखेंगे, हम देख लेते हैं बीटा ब्लॉकर्स। तो देखिए बीटा ब्लॉकर जो होते हैं एक तरह से क्या करते हैं स्लो डाउन कर देते हैं हार्ट बीट को, और ये हार्ट बीट को स्लो डाउन यानी हमारे दिल की धड़कन है वो स्लो डाउन हो कैसे रही है, हेल्प इन लेस ब्लड फ्लो थ्रू दी वीन। जो हमारी वीन्स होती है उनके थ्रू जो ब्लड का फ्लो हो रहा है उसको कम कर देते हैं, जिससे जो हमारी हार्ट रेट है यानी दिल की धड़कन है जो ज़्यादा थी वो वहाँ पर नॉर्मल हो जाती है, जिससे जो ब्लड का प्रेशर है वो भी वहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। अब इसमें कुछ ड्रग का हम यूज़ करते हैं, जैसे एटीनोलोल हो गया, एसीबुटोल हो गया, और मेटोप्रोलोल हो गया। तो ये हमारी कुछ ड्रग होती हैं और भी हमारी इसमें होती हैं जिनका यूज़ हम करते हैं एज ए टैबलेट की फॉर्म में, हम उनको खाते हैं जो हमारे बीपी को कम करने का वर्क यहाँ पे करती हैं। लास्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, दीज आर दोज ड्रग्स, ये हमारी वो ड्रग्स होती हैं विच ब्लॉक, जो ब्लॉक कर देती हैं एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू मसल सेल ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, यानी जो हमारा हार्ट होता है उसकी जो क्या होती है मसल सेल होती हैं, साथ ही में ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसके अंदर जो कैल्शियम की एंट्री है उसको एक तरह से ब्लॉक कर देती हैं, जिससे जो हमारा बीपी है वहाँ पे कम हो जाता है। जैसे हमारे एमलोडिपिन और निफिडिपिन, ये कुछ हमारी एक तरह से ड्रग होती है जिनका यूज़ हम इसमें करते हैं, और अदर भी हमारी इसमें होती हैं। तो बस आपका जो ये टॉपिक है यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है। तो आपको अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट्स मिल सके। और गैस आप अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।